हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ वो है प्रॉन मलाई करी। ये बहुत ही पॉपुलर डिश है बंगाल की, जिसे हम प्रॉन और कोकोनट मिल्क के साथ बनाते हैं। बहुत ही इजी प्रिपरेशन है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल में मिस किचन को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। प्रॉन मलाई करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 600 ग्राम प्रॉन। इसे अच्छे से साफ कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा टेबलस्पून नमक। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। प्रॉन को हमें थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करना है, और जब तक ये मैरिनेट होगा हम अपने ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक नारियल को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसका हमें एक पेस्ट बनाना है। ये पेस्ट बनके तैयार है। मैंने पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है। इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। प्रॉन मलाई करी का जो ग्रेवी है वो कोकोनट मिल्क से ही बनता है। सारा पेस्ट मैंने निकाल लिया है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी, तो लगभग आधा ग्लास पानी मैंने यहाँ पे डाला। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम एक दूसरे बोल में छलने की सहायता से इसे छान लेंगे। इसे चम्मच से अच्छे से प्रेस करते हुए इसका सारा मिल्क अब निकाल लें। अब ये रेडी है। नेक्स्ट हमें चाहिए प्याज। प्याज को ऐसे काट लें। यहाँ पे एक मीडियम साइज का प्याज यूज किया मैंने। फिर हमें चाहिए टमाटर। दो छोटे टमाटर यूज किए हैं। टमाटर को भी ऐसे काट लेते हैं। इसके बाद हमें चाहिए हरी मिर्च। यहाँ पे मैंने दो हरी मिर्च यूज किया है, और अदरक लहसुन का पेस्ट। अब एक कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल, 2 से 3 बड़े चम्मच। तेल को हम अच्छे से गर्म करेंगे, और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हाई फ्लेम में हमें प्रॉन को फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने आधा प्रॉन पहले डाला है, पहले उसे फ्राई कर लेंगे। इसे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, और ये बहुत जल्दी भी हो जाता है। फ्लेम बिल्कुल हाई है यहाँ पे। इसे हल्का गुलाबी होने तक अब पकाएं, लगभग इस तरह से। ये बन चुके हैं अभी, इसे हम अलग से प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी तरह से बाकी के प्रॉन भी फ्राई कर लेंगे। ये भी हो चुका है, इसे भी निकाल लेते हैं। अब ग्रेवी की बारी, तो इसमें थोड़ा सा तेल और ऐड करेंगे। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे फिर से। फिर इसमें डालेंगे हरी मिर्च और प्याज। फ्लेम मीडियम है। प्याज को हमें अच्छी तरह से पका लेना है पहले। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा, मतलब कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फिर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे अदरक लहसुन के साथ मैंने एक सूखी मिर्च भी पेस्ट की है। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब ये भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। यहाँ पे मैंने दो पके हुए टमाटर यूज किए हैं। नमक भी डाल देंगे ताकि जो मसाला है वो जल्दी पक जाए। इसे हमें बिल्कुल मशी होने तक, जो टमाटर है बिल्कुल मशी हो जाएंगे तब तक पकाना है, और उसके बाद उसमें डालना है कोकोनट मिल्क जो फ्रेशली हमने तैयार किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। फ्लेम यहाँ पे मैंने थोड़ा हाई कर लिया है, और अभी से हम ढक के पकाएंगे। आप देखेंगे इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। इसे एक बार चला लेते हैं। इसे फिर से ढक दें। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ना ग्रेवी का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा ग्रेवी, इस तरह से।
इसी वक्त हम इसमें डाल देंगे प्रॉन जो फ्राई कर किए थे हमने। फ्लेम यहाँ पे थोड़ा सा कम कर दें और इसे ढक के फिर से पकाएं। कुछ देर बाद हम जब चेक करेंगे ये ऑलमोस्ट रेडी है। अभी इसे थोड़ी देर और पकाना है तो इस वक्त हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी मलाई। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, बस इसकी ग्रेवी को थोड़ा और थिक करना है। जब इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह हो जाएगी मतलब प्रॉन तैयार है। गैस ऑफ कर दें और सर्व करने के लिए एक प्लेट में इसे निकाल लें। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी नहीं चाहिए, बहुत क्विक और इजी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे स्टीम राइस के साथ आप सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।